हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका सारा होम साइंस एजुकेशन में। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है डाइजेशन सिस्टम से हम सॉल्व करेंगे 50 क्वेश्चन को हम देखेंगे। और ये आपके पीजीटी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पीजीटी में क्या होता है, ह्यूमन फिजियोलॉजी से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो हम आज देखेंगे डाइजेशन सिस्टम। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि डाइजेशन सिस्टम से हम रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पूरा का पूरा डाइजेशन सिस्टम पर रिलेटेड है। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्मी फार्म अपेंडिक्स के जंक्शन पर स्थित है। पहला यहाँ पे दिया गया ऑप्शन बड़ी आंत और छोटी आंत, दूसरा है छोटी आंत और ग्रहणी, तीसरा है गुदा और मलाशय। तो इसमें से आपको बताना है कि आंसर क्या है। वर्मी फार्म अपेंडिक्स जो होता है कहाँ पर स्थित होता है, तो इसका हो जाएगा पहला वाला करेक्ट आंसर, बड़ी आंत और छोटी आंत पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अर्ध पचा हुआ भोजन जो ग्रसनी में नीचे की ओर जाता है, डैश है यहाँ पे आपको भरना है, के रूप में जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। पहला दिया गया है ए सांस, दूसरा है कैम, तीसरा है ए व बी दोनों। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो अर्ध पचा हुआ भोजन जो ग्रसनी में नीचे की ओर जाता है किस रूप में जाना जाता है, आपको बताना है। ये जो सांस दिया है इसको क्या कहते हैं, बोलस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, बोलस। तो इसमें क्या हो जाएगा, बोलस वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दूसरे का भी पहला ही करेक्ट है। अगला पॉइंट देखेंगे। आंत के म्यूकस एपिथेलियम में ग्लाबलेट कोशिकाएं होती हैं जो बलगम का स्राव करती हैं। कारण दिया गया है, ये असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन है, आंत के म्यूकस एपिथेलियम में ग्लाबलेट कोशिकाएं होती हैं जो बलगम का स्राव करती हैं। कारण है, गैस्ट्रिक और अग्नाशयी रस में बलगम अम्लीय स्राव द्वारा म्यूकोशा को उत्सर्जन से बचाता है। इसमें क्या करेक्ट है बताना है आपको। पहला दिए गए यदि कथन और कारण दोनों सत्य है, तो कारण कथन की सही व्याख्या है कि नहीं। दूसरा, यदि कारण और कथन दोनों सही है लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है, यदि कथन सत्य है परंतु कारण असत्य है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सही बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तीसरे का बी वाला क्वेश्चन सही है। अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा क्वेश्चन, पेट की सबसे भीतरी परत कहलाती है। पेट की जो भीतरी परत है क्या कहलाती है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो सारे पॉइंट को नोट डाउन करते चलिएगा, जो समझ ना आए उसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और रट लीजिएगा। पेट की सबसे भीतरी परत कहलाती है सेरोसा कहलाती है, या फिर म्यूस्कुलरिस म्यूकोसा, या फिर लामिना प्रोपिया, या फिर म्यूकोसा। तो आपको क्या बताना है, जो पेट की सबसे भीतरी परत है क्या कहलाती है। 4 का डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, म्यूकोसा कहलाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। मानव शरीर में कुछ सजीवी सूक्ष्म जीव सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। पहला दिया गया है क्वेश्चन है, 8 नंबर का क्वेश्चन है, मानव जीव शरीर में कुछ सजीवी सूक्ष्म जीव सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं। पहला दिया गया है कायुक्म में, दूसरा है मौखिक स्तर और जीव के स्तर में, और वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स और रेक्टम में, या फिर ग्रहणी में। तो जो 8वें का कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, 8वें का पहला वाला सही हो जाएगा, कायुक्म में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, सहसंयोजक है टेस्ट दिया है, उसमें हमें भरना है क्या है। पहला दिया गया है लौकिक है, जलीय है, हवाई है, या ऊपर के सभी। तो आपको क्या बताना है, जो सहसंयोजक है वो क्या होते हैं, जलीय होते हैं। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, 10वां नंबर, जीव किसकी बनी होती है? दिया है पहला है चिकनी मांसपेशियों की, कंकाल की मांसपेशियों की, सी है ए व बी दोनों, और डी है उपास्थि। तो आपको क्या बताना है, जो जीव होती है किसकी बनी हुई होती है? तो आपको बताना है सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, चिकनी मांसपेशी और कंकाल की मांसपेशी से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, सब म्यूकोसा सबसे मोटा होता है, किसमें सबसे मोटा होता है ये बताना है आपको। पहला है पेट में, दूसरा है घेघा में, तीसरा है अग्नाशय में, और चौथा है मलाशय में। तो क्या होगा इसमें, सब म्यूकोसा मोटा होता है, आपको बताना है घेघा में, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, उत्सर्जन से पहले शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मल जाता है? उत्सर्जन के पहले बताना है कि शरीर के किस भाग में सबसे पहले मल जाता है। पहला दिया गया गुदा में, दूसरा है बड़ी आंत में, तीसरा है छोटी आंत में, और चौथा है डी ऊपर के सभी में। तो आपको क्या बताना है इसमें क्या होता है, जो उत्सर्जन से पहले जो शरीर का मल होता है कहाँ जाता है, बड़ी आंत में जाता है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारे पॉइंट को आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं ये सारे आप लोगों के लिए। अगला है, कोलम सीकुम अपेंडिक्स और रेक्टम किसके भाग हैं? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, तो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहेंगे तो आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी एग्जाम टाइम में भी। कोलन सीकुम अपेंडिक्स और रेक्टम के भाग हैं, किसके भाग हैं? पहला है अग्नाशय, दूसरा है जिगर, तीसरा है छोटी आंत, चौथा है बड़ी आंत। तो ये किसके भाग हैं ये तो सबको रटा होना चाहिए, किसके भाग हैं ये, इसमें भी क्या हो जाएगा, बड़ी आंत हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कोलन सीकुम और अपेंडिक्स और रेक्टम किसके भाग हैं? बड़ी आंत के। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत में डैश होता है, क्या होता है? बड़ा लुमेन, बड़ी लंबाई, बड़ा व्यास, या ए और सी दोनों। तो क्या हो जाएगा इसमें, ए और सी दोनों वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ए मतलब बड़ा लुमेन होता है, और सी मतलब क्या होता है, बड़ा व्यास होता है। पहला और तीसरा दोनों सही होगा। अगला क्वेश्चन है, गैस्ट्रुलेशन का शाब्दिक अर्थ है, गैस्ट्रुलेशन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये बताना है। प्राथमिक रोगाणु परतों का निर्माण करना, या फिर आंत का गठन करना, या फिर मोर्फोजेनेटिक आंदोलन, या फिर आर्गोजेनेसिस की शुरुआत। तो आपको क्या बताना, जो गैस्ट्रुलेशन होता है वो आंत का गठन करना गैस्ट्रुलेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, स्तनधारियों के बृहदान्त बड़ी आंत का मुख्य कार्य है, जो बृहदान्त है इसे क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। स्तनधारियों के बड़ी आंत का कार्य इसमें पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन दिया गया है इसमें उत्सर्जी उत्पादों का स्थायी रूप से भंडार, दूसरा है अपचित भोजन से पानी अवशोषित करना, और सी दिया है पचे हुए भोजन को अवशोषित करें। तो क्या हो जाएगा इसका, स्तनधारियों का जो बड़ी आंत है वो क्या होता है, अपचित भोजन से पानी का अवशोषण करना होता है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अब 50 क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, और डेली आपको यहाँ से जो पीजीटी का है, पीजीटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आपको डेली के डेली क्वेश्चन आंसर यहाँ से मिलेंगे। और कब मेरी क्लास स्टार्ट होगी ELT की या फिर किसकी, तो मैं इसके बारे में भी बताऊंगी आप लोगों से। आहार नाल की दीवार में उपास्थि पेशीय तंतु का प्रकार है, 8वां का बताना है आपको। आहार नाल की दीवार में उपास्थि पेशीय तंतु का प्रकार क्या होता है? पहला दिया गया चिकनी मांसपेशी फाइबर, दूसरा है धारीदार मांसपेशी फाइबर, तीसरा है हृदय की मांसपेशी फाइबर, और चौथा है ए और डी। तो इसमें क्या हो जाएगा, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, चिकनी मांसपेशी फाइबर। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारियों का किण्वन कक्ष है, शाकाहारियों का किण्वन कक्ष क्या है बताना है आपको। पहला है पित्ताशय, दूसरा है अग्नाशय, तीसरा है जिगर, चौथा है कायकुयम। तो ये क्या हो जाएगा, जो शाकाहारियों का किण्वन कक्ष होता है कायकुयम होता है। अगला क्वेश्चन, वेनिफॉर्म अपेंडिक्स का बना होता है, वेनिफॉर्म अपेंडिक्स किसका बना हुआ होता है, श्वसन ऊतक का, उत्सर्जी ऊतक का, लसिका ऊतक का, या फिर पाचन ऊतक का। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो वेनिफॉर्म अपेंडिक्स होता है वो किसका बना हुआ होता है, लसिका ऊतक का, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है।
अगला है पेट की उपम्यूकोसल परत में होते हैं। पेट की उपम्यूकोसल परत में होते हैं क्या होता है, पहला दिया गया है नसोरक्त वाहिकाओं और लसिका वाहिकाओं, दूसरा है लसिका वाहिकाओं ऑक्सीटिकस कोशिका रक्त वाहिकाओं और ग्रंथियां, तीसरा है जाइमोजेल सेल तंत्रिका ग्रंथियां रक्त वाहिकाओं और लसिका वाहिकाओं, रक्त वाहिकाएं लसिका वाहिकाएं तंत्रिका और यकृत कोशिकाएं। तो पेट की उपम्यूकोसल परत में होता है क्या होता है, आपको बताना है 14 नंबर का, नसें रक्त लसिकाएँ, इसमें क्या होती हैं नसें रक्त वाहिकाएं और लसिका वाहिकाएं होती हैं, तो इसमें पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सारी चीज़ें समझ आ रही होंगी आप लोगों को, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, क्लीन भी दिख रहा है। अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण होता है कहाँ होता है, आपको बताना है पेट में, जिगर में, छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में। तो पेट का जो भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण होता है कहाँ होता है, तो आपको बताना है छोटी आंत में होता है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 16 नंबर क्वेश्चन, पतली मेसोथेलियम आंतों के अंगों के उपकला से बनी सबसे बाहरी परत कहलाती है, क्या कहलाती है, पहला यहाँ पे दिया गया म्यूकोशा, दूसरा है सब म्यूकोशा, तीसरा है सेरोशा और चौथा है दोनों। तो आपको क्या बताना है, जो पतली मेसोथेलियम आंत के अंगों के जो उपकला होती हैं किससे बनी हुई होती हैं, तो ये बनी हुई होती हैं सेरोसा से, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, घोड़ों खरगोश और खरगोशों में सेल्यूलोज का पच जाता है, आपको पता है जो सेल्यूलोज होता है वो इंसानों में नहीं पचता है, जानवरों में पचता है, तो यही पूछा गया है कि ये कहाँ पचता है, पहला दिया गया है कार्कोयम में, दूसरा है पेट में, तीसरा अनुबंध और चौथा दिया गया है रूमेड में। तो 17 ऑप्शन का क्या हो जाएगा, कार्कोयम में सही होगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है शाकाहारी जंतुओं की आहार नाल है, शाकाहारी जंतुओं की आहार नाल होती है क्या होती है, पहला दिए गए छोटा, दूसरा लंबा, तीसरा चौड़ा, तो इसमें से क्या बताना आपको 18 का क्या करेक्ट होगा, लंबा होता है, जो शाकाहारी जंतुओं की आहार नाल होती है वो क्या होती है, लंबी होती है। अगला क्वेश्चन, वही वाला फिर है, अब हम देखेंगे 20 क्वेश्चन, 20 नंबर का, बड़ी आंत में मल के पीछे के प्रवाह को किसकी उपस्थिति में रोका जाता है, 20 नंबर 20 नंबर का है यहाँ पे कि बड़ी आंत में मल के पीछे के प्रवाह को किसकी उपस्थिति से रोका जाता है, पहला दिया गया है एप्लाग्लॉटिस, दूसरा है ओडी का स्फिक्टर, तीसरा है एलिस्टियो सिकल वाल्व, चौथा है गैस्ट्रो ओसोफेगल स्पेस्टर। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो 20वां वाला इसमें से क्या सही होगा, इलियो सिकल वाल्व, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे 22 नंबर का, है मलाशय की दीवार में कमी होती है, मलाशय की दीवार में किसकी कमी होती है, पहला दिया गया है मस्क्यूलरिस म्यूकोसा की, लामिना प्रोपिया की या फिर बहुकोशिकी ग्रंथियों की या फिर ताइनिया की। तो 22 नंबर का जो है 22 का ये क्या हो जाएगा, ताइनिया हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। आज जितना क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं सारे का सारा किससे रिलेटेड है, तो आपको बताना है डाइजेशन सिस्टम पाचन तंत्र से ये संबंधित है, पाचन तंत्र से ये वाला संबंधित है, 22 वाला ऑप्शन। तो अब अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, आज हमें 50 प्लस को देखना है, फिर कल ले आएंगे अगला पॉइंट का, तो एक एक पार्ट का मैं क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अगला क्वेश्चन है, बड़ी आंत लगभग लंबाई में होता है, बड़ी आंत लगभग लंबाई में होता है क्या होता है, 1 मीटर, आपको बताना है बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर, 2.4 मीटर या 3.5 मीटर। तो ये तो सबको पता होगा कि बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो कितना होता है, तो आपको बताना है 1.5 मीटर होता है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन 25, पाचन तंत्र के वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की सूजन के कारण होने वाले रोग को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अमीबा पेचिस, पथरी, आंतों का कैंसर या फिर एपेंडेक्ट्रोमी। तो इसमें क्या कहा जाता है, जो पाचन तंत्र के वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की सूजन के कारण होते हैं। 25 नंबर का कौन सा सही हो जाएगा? पथरी, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो पाचन तंत्र के वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स की सूजन के कारण होने वाला रोग होता है पथरी, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला है, सारा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 28 नंबर का हम देखेंगे। जठर ग्रंथियां, लीवर कुह की तहखाना, ग्लाबेट कोशिकाएं किसके द्वारा बनी हुई होती हैं? पहला है म्यूकोसा, दूसरा म्यूकोसा की उपकला परत, उपम्यूकोसा या फिर सेरोसा। तो आपको क्या बताना है, 28 का जो है वो क्या सही हो जाएगा, म्यूकोसा सही हो जाएगा, म्यूकोसा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट है। जठर ग्रंथियां, लीवर को की तहखाना, ग्लाबिट की कोशिकाएं किसके द्वारा बनी होती हैं? म्यूकोसा के द्वारा बनी होती हैं। 29 देखेंगे, आहार नाल की दीवार में बाहर से शुरू होकर अंदर तक परतों का सही क्रम क्या होता है? आहार नाल की दीवार में बाहर से शुरू होकर अंदर तक की परतों का क्रम बताना है। पहला दिया गया यहाँ पे सेरोस, अनुदैर्ध्य पेशी, म्यूकोसा या फिर उपकला। बी है म्यूकोसा, सेरोस लंबी मांसपेशी, सी है सेरोसा, अनुदैर्ध्य पेशी, वृत्ताकार मांसपेशियाँ, उपम्यूकोसा और म्यूकोसा। डी है सेरोसा, लंबी मांसपेशियाँ, सब म्यूकोसा या फिर म्यूकोसा। तो इसमें क्या करेक्ट होगा, 29 का सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सेरोसा होता है, अनुदैर्ध्य पेशी होती है, वृत्ताकार मांसपेशियां होती हैं, उसके बाद उपम्यूकोसा होता है और लास्ट में क्या होता है, म्यूकोसा होता है। तो ये सीक्वेंस याद कर लीजिएगा, सीक्वेंस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अगला पॉइंट देखेंगे 31 है, आंत, पेट और यकृत की आंतरिक परत किससे बनी होती है? आंत, पेट और यकृत की आंतरिक परत किससे बनी होती है? पहला है सरल स्क्वेमस एपिथीलियम की, दूसरा है सरल जल उपकला की, सरल घनाकार उपकला की या फिर यौगिक उपकला की। 31 का होगा आपका सही सरल स्तंभ और उपकला की, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, फीमर के सिर के जोड़ के लिए कप के आकार की गुहा कहलाती है? कप के आकार की गुहा क्या कहलाती है, ग्लेनायट कैविटी, इसे टेबुलम या फिर डॉट। फीमर के सिर के जोड़ के ऊपर जो कप के आकार की गुहा होती है उसे क्या कहते हैं? 32 का ऑप्शन सही होगा एसीटेकुलम, एसीटेबुलम, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 33, आई होप कि सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको भी लग रहे हो, मुझे तो लग रहे हैं, इसीलिए मैं लेके आई हूँ। मिसनर का पेट का जाल बीच में मौजूद होता है, पहला दिया गया है तिरछी मांसपेशियों और सब म्यूकोसा का, तिरछी मांसपेशियाँ और गोलाकार मांसपेशियाँ, वृत्ताकार मांसपेशियाँ और अनुदैर्ध्य मांसपेशियाँ, और डी है अनुदैर्ध्य मांसपेशियाँ और सेरोसा। तो इसमें क्या होगा, 33 का आपका होगा ये वाला सही है, तिरछी मांसपेशियाँ और सब म्यूकोसा। अगला देखेंगे 34 को देखेंगे, जल मुख्य रूप से में अवशोषित होता है, आपको बताना है जल किस में अवशोषित होता है, पेट में, घेघा में या फिर छोटी आंत में या फिर बड़ी आंत में। तो जल किस में अवशोषित होता है, 34 नंबर का आपको बताना है छोटी आंत में अवशोषित होता है, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, बावासीर है, बावासीर क्या है, बृहदान्त के छोटे पाउच, भरे हुए मलाशय की नसें, गुदा नहर के बहिर्गमन, मलाशय की अनुदैर्ध्य तहें। तो बावासीर क्या होते हैं, 39 का 39 का बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, बढ़े हुए मलाशय की नसों को ही बावासीर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन 40 का देखेंगे हम, आहार नाल में छड़ीय माध्यम से गुजरने के बाद भोजन का बोलस है, जो भोजन का बोलस हो जाता है, भोजन जब छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ जाता है तो उसका बोलस बन जाता है, उस बोलस के बारे में पूछा गया। आहार नाल में छड़ीय माध्यम से गुजरने के बाद भोजन का बोलस है काइलोमाइक्रोन, कैम, कैल, मोटा शरीर। तो इसमें क्या कहलाता है वो, फिर वो कहलाने लग जाता है कैल, सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम,
कोलन ठोस अपशिष्ट से निकलता है, कोलन ठोस अपशिष्ट से निकलता है, पानी, नमक, ए व बी या फिर सोडियम। तो इसमें क्या हो जाएगा, कोलन जो ठोस अपशिष्ट डैश निकालता है तो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन, पानी और नमक दोनों निकालता। अगला क्वेश्चन, उत्सर्जन से पहले शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में मल जमा होता है। पहला दिया गया है गुदा, दूसरा है बड़ी याद, तीसरा है छोटी याद और चौथा है सभी। तो इसमें क्या सही हो जाएगा, 42 का हो जाएगा बड़ी आंत। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, फीमर के सिर के जोड़ के लिए कप के आकार की गुहा कहलाती है, क्या कहलाती है इसको, ये भी हम देख चुके हैं, ये भी देख चुके हैं, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। फीमर के सिर के जोड़ के कप के आकार की गुहा क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, एसीटोबेलम कहलाती है, बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखेंगे, सिग्माइंड बृहदान्त का एक हिस्सा है, बड़ी आंत है, छोटी आंत है, उदर, उदर में भोजन या फिर मलाशय है, तो इसमें क्या है बताना है आपको, सिग्माइड बृहदान्त का एक हिस्सा। बड़ी आंत है, इसमें क्या हो जाएगा, बड़ी आंत, पहला वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ग्लाब्ड ओके फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल के टॉपिक में कल सॉल्व करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन में लेके आऊँगी आप लोगों के लिए, तो कल हम देखेंगे और क्वेश्चन। आज लगभग आप लोगों ने 50 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, 10 क्वेश्चन पहले के, और फिर 45 क्वेश्चन लगभग आपके हो गए हैं, 60 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किया। तो आप लोग बताइएगा क्वेश्चन कैसा लगा। सो थैंक यू, मिलते हैं अगले क्लास में, कल के क्लास में मिक्स क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे।